चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में एक फिनोमेना पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कैसे हम हीटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या हीट एनर्जी में उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, अब एक और चीज देखो, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, करेगी एक मैग्नेट की तरह। सो यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखाई है, ध्यान से देखो 13.1 में, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है, एक्स वाई के बीच में हमने कॉपर वायर है और वहां पर हमने एक कार्डबोर्ड फिक्स किया है, ध्यान से देखो, प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर सी द पोजिशन ऑफ इट्स नीडल, क्लियर। कॉपर वायर के नियर बाय हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास की में क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इन टू द प्लग, क्लियर। हमने सर्किट स्विच ऑन कर दिया प्लग की उसमें इंसर्ट करके, नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन पोजिशन ऑफ द कंपास नीडल। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे बताओ, कि आपकी जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी जैसे ही हम करंट फ्लो कराना उसमें स्टार्ट करेंगे। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्लियर। यानी जब हमने इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर के थ्रू पास किया तो वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। सो दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, क्लियर। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है वो आपस में क्या है, लिंक्ड है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूविंग मैग्नेट्स, तो क्या रिवर्स पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम मैग्नेट से, अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है? सो उसका आंसर भी यस है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, क्लियर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, आपका मैग्नेट्स मूव होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, तो वही चीज रिवर्स केस हो गया यहां पर आपका, क्लियर। नाउ तो पहले हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेट्स है क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो पेज 224 पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स, वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, क्लियर। आप सबने देखा होगा जब बार मैग्नेट के नियर बाय अगर आप मैग्नेटिक नीडल को ले आए या कोई कंपास, ठीक है, तो कंपास नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट होगी, क्योंकि कंपास नीडल क्या होती है, एक स्मॉल मैग्नेट होती है, क्लियर। सो अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, देखो वही चीज लिखा है आपका, द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट। अब आप सबने ये पहले भी पढ़ा होगा कि अगर हम बार किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। कोई भी आप अपनी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो वो आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, क्लियर। द एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड दैट पॉइंट टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी एक दिया, ध्यान से देखो पेज 224 पे, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, बताओ क्या रीजन होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के चलते इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि बार मैग्नेट भी आपकी कंपास नीडल क्या है, एक स्मॉल बार मैग्नेट है, तो या तो अगर उसके लाइक पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट, लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल होगी और अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी कंपास नीडल डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर देगी जब बार मैग्नेट के पास लाओगे तो। अब नीडल क्या है, नीडल तो देखो कंपास में फिक्स्ड है, क्लियर, तो वो सिर्फ डिफ्लेक्ट होगी, वो उसकी तरफ मूव नहीं कर सकती,
क्लियर। अगर उससे रिपेल हो रही है तो वो अपोजिट साइड मूव कर जाएगी, अगर अट्रैक्ट हो रही है तो उसकी तरफ वो मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट वो फिक्स्ड है इसलिए सिर्फ वो डिफ्लेक्ट होगी, क्लियर, मूव नहीं होगी, डिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। नाउ द आयरन फिलिंग्स, अब यहां पे देखो एक्टिविटी 13.2 में आपको दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे बना सकते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्रॉइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, क्लियर, हमने क्या कर दिया, व्हाइट पेपर फिक्स कर दिया ड्रॉइंग बोर्ड पे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, अब हमने उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दी, क्लियर। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, क्लियर। आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के छोटे छोटे से पीसेस हमने उसके आसपास फैला दिए, ठीक है, और यूनिफॉर्मली फैला दिए, ठीक है। नाउ अ सॉल्ट स्प्रिंकलर मे बी यूज फॉर दिस पर्पज, ठीक है, सॉल्ट स्प्रिंकलर जो होता है उसका यूज कर सकते हो फैलाने के लिए, मतलब बहुत ही माइन्यूट से आपके पार्टिकल्स है आयरन के, बड़े बड़े नहीं, क्लियर। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम बोर्ड टैप करेंगे तो कुछ देर के बाद हमें देखने को मिलेगा क्या, कि आपकी जो आयरन फिलिंग्स है वो सर्कुलर रिंग्स वहां पर बना रही है एक पोल से दूसरे पोल तक, जैसे आपको इस फिगर में गिवन है, ध्यान से देखो फिगर 13.2 में, क्लियर। आयरन फिलिंग्स कुछ देर के बाद ऐसे अरेंज हो जाएंगी सारी की सारी, जहां पे पोल से वहां पे आपको ज्यादा दिखेगी, और जितना दूर होते जाओगे पोल से उतनी आपको आयरन फिलिंग्स वहां पे कम स्प्रेडेड मिलेंगी, क्लियर। सो द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 13.2। व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, क्यों अरेंज हुई, व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। अब मैग्नेट क्या करती है, अपना जो भी फोर्स है वो अपने रीजन में लगाएगी, क्लियर। अब जितना क्लोजर होंगे उतना फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। देयरफॉर आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्लियर, मैग्नेट अपना फोर्स लगा रही है तो आयरन फिलिंग्स वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, क्लियर। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, जिस रीजन में आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकती है उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अब जिस लाइन्स में आपकी मैग्नेटिक आपकी जो आयरन फिलिंग्स थी वो अरेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्लियर। अब ये तो हो गया आयरन फिलिंग्स की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिटरमाइन कर ली और इवन मैग्नेटिक फील्ड भी डिटरमाइन कर लिया, तो क्या इसके अलावा और कोई वे है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, सो आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, तो अब हम ये कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, क्लियर, मैग्नेटिक कंपास या कंपास नीडल की हेल्प से भी हम यहां पे नॉर्थ है तो नॉर्थ यहां पे जाएगा, साउथ वाला अट्रैक्ट होगा ना इसका, क्लियर, तो ऐसे बनता चला जाएगा आपका नॉर्थ वाला ये साउथ वाला ये, क्लियर, तो यहां पे फाइनली नॉर्थ ऐसे आ जाएगा और साउथ यहां होगा आपका, ठीक है। ये चीज आई ध्यान से देखो, लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, तो नॉर्थ के पास साउथ आएगी, क्लियर, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल, तो नॉर्थ नॉर्थ के दूर है, ऐसे करते करते आपकी निडल धीरे धीरे ये नॉर्थ वाली निडल है तो आपकी साउथ की तरफ पॉइंट हो जाएगी, क्लियर, आए समझ में, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, क्लियर। तो आपकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहां से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पोल से, कहां से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पोल से, और एंड कहां पे होंगी, साउथ पोल पे, क्लियर बेटा। फिगर 13.3 ध्यान से देख लो, अब यहाँ पे आपकी डायरेक्शन देखो नेक्स्ट फिगर में बनाई हुई है 13.4 में बाय लाइंस, क्लियर, आपकी नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे एंड हो जाएगी, और नियर द पोल्स ज्यादा होंगी और जितना दूर होती जाएंगी उतनी कम होती जाएंगी। डायरेक्शन हमें कैसे पता चली, जो रिपेल कर रहा है देखो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मूव करती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ,
इनसाइड द मैग्नेट आपकी साउथ टू नॉर्थ होंगी बेटा, क्लियर? तभी वो एक कंप्लीट सर्कल आपका फॉर्म करेगा, क्लियर? अब ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज इसके बाद हमें दी हुई है ना। और एक और चीज बेटा, आप इसमें फिगर में ध्यान से देख रहे होगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब ध्यान से देखो पेज 225 पे ये एक्टिविटी उसी के बेसिस पे आपको दी हुई है जो हमने डिस्कस किया अभी, बार मैग्नेट स्मॉल कंपास से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? इसके बारे में डिटेल में आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ठीक है? अभी आप इतना देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। इस चैप्टर में अभी आपका बस थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की अकॉर्ड रिलेटेड, ठीक है? नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, क्लियर? ध्यान से देखो इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कौन सी लेते हैं? जिस वे में आपका जो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास है वो मूव कर रहा है, जैसे कि हमने यहां पे देखा नॉर्थ पोल जिस तरफ जाता जा रहा है मैग्नेटिक कंपास का, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनेंगी, क्लियर? देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड अप एट साउथ पोल, मर्ज एट साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अब ये भी चीज देखो लिखी आपकी, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं? क्लोज्ड कर्व्स। ये अंडरलाइन कर लो बेटा ध्यान से, डायरेक्शन भी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और क्लोज कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट आपकी डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसलिए हम उन्हें क्लोज कर्व्स कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनके पोल्स पे भी मतलब एक दूसरे से नहीं मिलती, वो पैरेलल ही जाती है। पैरेलल उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो एक दूसरे को, उसके रीजन अभी रीजन देखो अभी आगे आपको मिलेगा। नाउ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड तो कह दिया, अभी हमने पहले ही बात की थी कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और कहीं पर वीक होगी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आपकी क्लोजर होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगी, क्लियर? और जितनी दूर दूर होंगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी। तो जैसा आप अगर इधर देख रहे हो आपका क्या होता जाएगा, जब मैग्नेट से दूर होते जाएंगी तो उतनी फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, और अगर आप नियर द पोल्स देखोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा मिलेंगी, क्लियर? तो नियर द पोल्स आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फार अवे प्लेसेस, ठीक है? देखो उसके बाद लिखा है द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, क्लियर? फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां पर है? जहां पर आपकी पोल पे द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, यहां पे जहां पे आपकी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रेटर होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी ग्रेटर होगी, क्लियर? नाउ नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इसको पैराग्राफ को अंडरलाइन भी कर लेना बेटा, देखो वही चीज, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और इवन नेवर, क्लियर? अब ऐसा क्यों है उसका रीजन ध्यान से देखो, इफ दे डिड, अगर वो करे तो इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन, क्लियर? अगर सपोज हम ये बोले कि ये हमारी मैग्नेट है, एक ये है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्लियर? ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पे कंपास प्लेस करें तो या तो वो ये डायरेक्शन दिखाएगा या ये डायरेक्शन दिखाएगा। अब एक एक ही कंपास एक जगह पे दो डायरेक्शन शो कर सकता है? नहीं, क्लियर? सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पर वो दो डायरेक्शन शो करे,
क्लियर, किसी भी पॉइंट पे, तो इट मींस आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्लियर, देखो वही चीज लिखा है बेटा, ध्यान से इसे याद भी कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है। सो रीजन इज इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अब सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में हमें देखना है, और कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम वहां पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर, नाउ इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. अब अगर हमें direction निकालनी है तो किस वे में हम कर सकते हैं, देखो activity 13.4 हमें दिखाई गई है। देखो एक long straight copper wire ली हमने और दो या तीन cells लिए 1.5 volt के and a plug की connect all of them in series as shown in figure 13.5A. प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। क्लियर, हमने एक कंपास नीडल रखी है, देखो उसके ऊपर से वायर हमारी पास हो रही है। नाउ प्लग द की इन द सर्किट, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। क्लियर कि नॉर्थ पोल किस तरफ आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर आपकी करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। यानी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका जो कंपास नीडल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है। आया समझ में? नाउ दूसरी कंडीशन क्या, आप देखो हमने क्या किया, रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट एज शोन इन फिगर 13.5B, दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी हमने क्या किया, बैटरी को रिवर्स लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में इंटरचेंज कर दिया बैटरी में, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो सर्किट में थी वो रिप्लेस हो गई, मतलब रिवर्स हो गई, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा, यानी अब हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई साउथ टू नॉर्थ। सो ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, यू विल सी दैट नाउ द निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। यानी जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। क्लियर ये चीज। अब ये डायरेक्शन निकालेंगे कैसे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, अब वही चीज जो अभी हमने बोला कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में देख रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो सकती है। So what determines the pattern of magnetic field generated by a current through a conductor? कौन क्या डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का आपका पैटर्न फॉर्म करेगा? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. अब इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखो, we shall first consider the pattern of magnetic field around a straight current conductor carrying current. हमें तीन टाइप से अभी करना है, एक तो पहला स्ट्रेट कंडक्टर देखना है, दूसरा सर्कुलर पाथ में, एंड तीसरा आपका सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड फर्दर अभी डिटेल में करेंगे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपका होता है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर में देख रहे हैं कि कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की बनेंगी, यानी कैसे पैटर्न की। सो एक्टिविटी 13.5 देखो, टेक अ बैटरी 12 वोल्ट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एन एमीटर अ प्लग की एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, ठीक है। ये सेटअप हमने बना लिया बेटा फिगर 13.6, ध्यान से देख लो ए वाली फिगर, ठीक है। नाउ इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब देखो इतना हमें पता चल चुका है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेंगी वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ करंट के। क्लियर, जैसे अभी हमने देखा अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ दिखा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट दिखा रही है। क्लियर, यानी परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने यहां पर क्या किया, कार्डबोर्ड को परपेंडिकुलरली उस पर रखा है, देखो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड,
टेक केयर दैट द कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लाइड अप एंड डाउन। क्लियर, आपका फिक्स हो गया और परपेंडिकुलरली, यानी आपका कार्डबोर्ड नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है और वायर आपकी वर्टिकल जा रही है। क्लियर, नाउ कनेक्ट द कॉपर वायर्स वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज शोन इन फिगर इन सीरीज विद द बैटरी। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप सबने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, क्यों यूज किया जाता है? करंट की वैल्यूज चेंज करने के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं जिसकी वजह से करंट की वैल्यू अफेक्टेड होती है। क्लियर, नाउ तो हमें रियोस्टेट की वैल्यू को एक फिक्स पोजिशन पे रखना ताकि करंट चेंज ना करे फर्दर और करंट की वैल्यू आपने नोट कर ली। क्लोज द की सो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर। एंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। क्लियर, अब आपने की को क्लोज कर दिया मतलब अब करंट फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कॉपर वायर प्लेस्ड है बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। क्लियर, क्योंकि तभी आपका मैक्सिमम वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। यू वुड ऑब्जर्व दैट यू वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। सो उसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बना रही हैं। सो व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट। अभी हमने आयरन फिलिंग्स का एक और एक्सपेरिमेंट किया था। आयरन फिलिंग्स क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाती है। तो यहां पर भी आपके यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वो अरेंज हुई है। इट मीन्स आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रही है, ठीक है। नाउ हाउ कैन द डायरेक्शन, व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्लियर, नाउ हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो हमें अगेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाली एक्टिविटी में भी हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी? बाय मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट पी। क्लियर, फिगर में देखो ध्यान से, पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक कंपास रखा। क्लियर, ओवर अ सर्कल, कोई भी मतलब कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल है, किसी भी कंसेंट्रिक सर्कल का एक पॉइंट हमने पी ले लिया, वहां पर हमने मैग्नेटिक कंपास प्लेस किया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी। क्लियर, यानी आपका नॉर्थ पोल जिस तरफ आपका डायरेक्ट कर रहा है, क्लियर, वो आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। एट द पॉइंट पी शो द डायरेक्शन बाय नैरो। अब ये चीज आप जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बने सब पे ट्राई करोगे तो सब पे एक ही तरफ की डायरेक्शन आपकी आ जाएगी। नाउ डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स्ड। चेक इट, बताओ आपको क्या लगता है? अगर हम डायरेक्शन चेंज करें करंट की तो क्या आपकी जो मैग्नेटिक कंपास से अभी जो डायरेक्शन आई है क्या वो भी चेंज हो जाएगी? यस। क्लियर, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। क्लियर, नाउ आगे देखो फर्दर क्या दिया है। व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड। क्या आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगी अगर हम करंट उसमें चेंज कर दें तो, इंक्रीज या डिक्रीज कर दें? तो टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर We find that the deflection in the needle also changes. In fact, if the current is increased, the deflection also increases. क्योंकि देखो magnetic effect कौन produce कर रहा है? Current यहाँ पे। तो अगर हम current को increase करेंगे तो magnetic effect और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा मतलब increases. So current increase करने पे magnetic effect increase हो जाएगा, यानी deflection increase हो जाएगी। So it indicates, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, देखो इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। क्लियर, जैसे जैसे आपका करंट वहां पे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर, नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड
फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। अब सपोज हम बड़े वाले कंसेंट्रिक सर्कल की तरफ जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस दूर होता जा रहा है हमारा, क्लियर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा या ज्यादा होगा वहां पे, बताओ क्या लगता है आपको? कम होगा, जितना दूर हम जाएंगे उतना मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो इसमें देखो यही कहा गया आपको, टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट द फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस, दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज होती जाएगी जितना आप उससे दूर जाते जाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो हाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्लियर। नाउ फ्रॉम फिगर 13.6 इट कैन बी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। अब आप फिगर में भी अगर ध्यान से देखो, कंसेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे दूर मूव करते हो, और डिस्टेंस भी उनके बीच में गैप जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो क्लियर। अब ये तो हो गया मैग्नेटिक कंपास से आप प्रैक्टिकली डायरेक्शन निकाल सकते हो, बट सपोज अगर आपको बिना मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपके पास एक रूल है, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ठीक है। अब हम बिना मतलब मैग्नेटिक कंपास के फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, क्लियर। सो इस रूल को पहले ध्यान से देखो क्या गिवन है, पेज नंबर 228 पे, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, क्लियर, सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर्स, अब आपकी देखो पहले आपने क्या किया, अपना थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लेस कर दिया, ठीक है, थंब अपना डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लेस कर दिया। अब जिस वे में आपकी फिंगर्स रैप कर रहे हो उस वे में आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, और उस वे में आपकी अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्लियर, जिस वे में आपका फिंगर्स एंड सर्कल हो रहे हैं। अब जैसे सिंपली अगर आप देखो, सपोज आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे, क्लियर। सो अब इसको प्लेस करके देखो, अपने राइट हैंड को हमने प्लेस किया, थंब को पॉइंट किया डायरेक्शन ऑफ करंट में, क्लियर, डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी ये हो गई अपवर्ड, ठीक है। तो जिस वे में फिंगर एंड सर्कल हो रही है, यानी यहां से ऐसे पीछे की तरफ जा रही है, क्लियर, आया समझ में, यहां से ऐसे पीछे की तरफ फिंगर्स एंड सर्कल हो रही है, तो ऐसे आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स में डायरेक्शन बन गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर, याद रहेगा बेटा सबको। तो इस रूल की हेल्प से हम अपनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं बिना मैग्नेटिक कंपास, क्लियर। अब इसमें एक चीज और देख लो अपनी, दैट इज ये क्लॉकवाइज बन गया या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर करंट आपका ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो क्या होता, तो क्लॉकवाइज, ऐसे देखो, क्लियर। तो अब आपका ऐसे डायरेक्शन फॉर्म करती मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड होती तो, क्लियर, याद रहेगा। क्वेश्चन वन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बनाना है आपको, पेज नंबर 225 पे 13.4 वाला, ये जो हमारा डायग्राम था, क्लियर, आउटसाइड आपकी नॉर्थ टू साउथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सो फटाफट लिखो बेटा, मैं बता रहा हूं, कॉपी में लिखो जल्दी से, नोट डाउन, फर्स्ट पॉइंट
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। फर्स्ट पॉइंट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लियर? इसलिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। पेज नंबर 225 पे है ये प्रॉपर्टीज, लिख लेंगे ना उधर, मार्क कर लो। थर्ड पॉइंट सर, सेकेंड पॉइंट में वापस रिपीट करो। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। थर्ड पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसमें पूरा पूरा नहीं लिखना है, इसलिए ध्यान से मार्क करो बेटा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। एंड फोर्थ पॉइंट, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, चार पॉइंट आपको बता दिए। एक तो पहले इनसाइड मतलब सॉरी स्टार्ट कहां से होती है आपकी, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। एंड सेकेंड, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है, इसलिए उन्हें क्लोज कर्व्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ उनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस से हमें पता चलता है। एंड फोर्थ, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। क्लियर? अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी आपका शायद उसी के रिलेटिव होगा। देखो जो हमने डिस्कस किया था, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो उसके लिए रीजन वहीं पर है, ध्यान से देखो। इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसलिए हमारी कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर?